छपरा के धर्मसती गांव में जहरीला मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत हुई थी। घटना के एक साल पूरे हो गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मसरक के गंडामन के धर्मसती गांव में। आज एक साल हो गए, इसी पिछले 16 जुलाई को यह घटना हुई थी और आज 16 जुलाई है और आज हम इस गांव में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि यही स्मारक बना हुआ है उन 23 बच्चों का जिन्होंने आज से एक साल पहले उन वो मौत के मुंह में चले गए थे। घटना के बाद धर्मसती गांव में ज्यादा कुछ नहीं बदला। विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाली राज्य सरकार ने न तो घटना से सबक लिया और न ही स्कूल के बच्चों के लिए कुछ किया। पिछले एक महीने से स्कूल में मिड डे मील नहीं बन रहा, ऐसा क्यों है इसका जवाब किसी के पास नहीं। क्योंकि चावल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मतलब चावल किसकी गलती है, चावल नहीं है? ये गलती भी जो चावल जो पहुंचाता है उनका है। तो बच्चों को यहाँ खाना क्यों नहीं मिल रहा है? चावल नहीं उपलब्ध है। कई दिनों से चावल उपलब्ध नहीं है। कुछ ही दिनों से बच्चे जो आ रहे हैं, जो भूखे मर रहे हैं, उसका क्या होगा? उनका वो समझे, हमारे पास चावल है तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। स्कूल के मिड डे मील पर बच्चों को भी भरोसा नहीं है। यही वजह है कि बच्चे घर से टिफिन लेकर आते हैं, पानी भी साथ लाते हैं। कैसा साफ मिलता है? गंदा मिलता है जी। साफ सुथरा खाना नहीं मिलता है ना? नहीं मिलता है। आप लोग खाते हैं कि नहीं खाना? कहीं कहीं अच्छा बनते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। अभी खाना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना? ना। पहले मिल रहा था खाना? जी। कैसा मिलता था खाना, अच्छा ही खराब? खराब। धर्मसती की ना तो तकदीर बदली है, ना ही बच्चों का भविष्य सुधरता दिख रहा है। सरकारी दावे जरूर हैं, जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। यही वजह है कि देश में मिड डे मील से आज भी बच्चे बीमार हो रहे हैं और मौत का शिकार हो रहे हैं। न्यूज एक्सप्रेस के लिए छपरा से आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।